हेलो गाइस, वेलकम टू आज टेक न्यूज चैनल। मैं राज चंद्र। दोस्तों फाइनली हम बात करें, यहाँ पे काफी सारे लोग हैं 10 से 15 हजार के बीच कोई अच्छा और कोई बेस्ट स्मार्टफोन की तलाश में है और उनका बजट 10 से 15 हजार है, तो उन्होंने काफी सारे स्मार्टफोन को देखा होगा। लेकिन यहाँ पे 10 से 15 हजार के बीच टॉप 10 स्मार्टफोन कौन है प्राइस के अनुसार, फीचर्स के अनुसार, जिसके बारे में हम करेंगे। तो अगर आप एक स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो वो भी बजट आपका है 10 से 15 हजार के बीच में, तो कौन सा बेस्ट स्मार्टफोन है दोस्तों, आज हम बात करने वाले इस वीडियो में। और फाइनली वो बारीकी से हर बात में फीचर्स की बात करेंगे और प्राइस की बात करेंगे। तो आप इस वीडियो में शुरू से बने रहो तो काफी आपके लिए ये अच्छा साबित हो सकता है ये वीडियोस, अगर आप एक स्मार्टफोन खरीदने जा रहे हो तो वीडियोस को शुरू से अंत तक जरूर देखना। तो सो गाइस, चलिए वीडियोस को स्टार्ट करते हैं और देखेंगे कि 10 से 15 हजार के बीच में कौन सा बेस्ट स्मार्टफोन है आपके लिए हो सकता है। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों मैं राजचंदन, और जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ कि यहाँ पे टॉप 10 जो स्मार्टफोन है 10 से 15 हजार के बीच में प्राइस में, तो आप अगर खरीदना चाहते हो तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, मैं हर फोन की बारीकी से कोई भी फीचर्स तो मैं यहाँ पे फ्लैश करूंगा, फीचर्स आप देख सकते हो। और बाकी जो भी जानकारी है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया सारे स्मार्टफोन का। जो भी स्मार्टफोन आप खरीदना चाहते हो प्राइस के अनुसार, वो सिंपल सा अमेजन या फ्लिपकार्ट, जहां से भी आप खरीदते हो, दोनों का लिंक ऑलरेडी मौजूद है या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे जाओ चेक करो फीचर्स को। और वहां पे अभी ऑफर चल रहे हैं दोनों वेबसाइट, फ्लिपकार्ट की बात करूँ तो वहां भी ऑफर स्टार्ट हो चुके हैं और यहाँ अमेजन पे भी ऑफर चल रहे हैं। तो आप स्मार्टफोन अगर खरीदना चाहते हो तो फाइनल उस वेबसाइट पे जाओ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में सारे फोन का दे दिया, फोन के लिंक पे क्लिक करो, वेबसाइट पे जाओ और उसे परचेस कर सकते हो। चलिए हम पहले बात कर रहे थे कौन कौन से यहाँ पे स्मार्टफोन है और किस तरह की प्राइस आप देखने को मिल रही है। सो गाइस, मैंने आप लोगों के लिए रखा जो ऑफर में फोन है टॉप 10 में, तो सबसे पहला नंबर मैंने सैमसंग गैलेक्सी M31 को रखा है, जिसमें आपको 6 GB रैम मिल जाती है और 64 GB का स्टोरेज। और डिटेल्स की बात करते हैं यहाँ पे कुछ आप देख पा रहे हो, लगभग 64 MP के आपको यहाँ पे 8 और 5 MP के और 5 MP आपको रियल कैमरा यहाँ देखने को मिल जाता है, मतलब 4 कैमरा आपको पीछे की तरफ देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। और इसकी बात करें इसकी प्राइस, तो प्राइस कुछ इस प्रकार है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो 14,999, मतलब 15,000 के अप्रोक्स में आपको ये मिल जाएगा। तो अभी बात करें सैमसंग की तरफ से, सबसे बेस्ट आपके लिए ये रह सकता है अगर 15,000 के अंदर में कोई फ़ोन आप लेने जा रहे हो तो। और भी इसकी फीचर्स की बात करें तो आप यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो, और मैंने आपके लिए यहाँ पर लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जगह से आप फ्लिपकार्ट या अमेजन जहाँ से भी आप खरीदना चाहते हो, तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इस फोन को डिटेल्स जान सकते हो, वहाँ से खरीद सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट फोन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट फोन मैंने यहाँ पे रखा है आप लोग के लिए Realme 6। हालांकि बात करें इसको 3 वेरियंट में आपको देखने को मिल जाएगा, 4 GB, 6 GB और 8 GB वेरियंट में। तो यहाँ पे मेरे पास जो वेरियंट में आप लोग को सजेशन करूंगा कि आप 6 GB का वेरियंट हो, जहाँ पे आपको मिल जाएगा इसकी प्राइस, मतलब 15,000 में आपको 14,999 में आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको 128 GB का स्टोरेज और 6 GB आपको यहाँ पे रैम देखने को मिल जाएगा। ओके, तो इसकी कुछ फीचर्स की बात करें तो जो फीचर्स आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे हो, हीलियो का G90T प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाता है, साथ में आपको यहाँ पे 4 कैमरे आपको पीछे की तरफ देखने को मिल जाते हैं, जिसमें 64 MP क्वाड कोर, जी हाँ अल्ट्रा वाइड माइक्रो चिप्स आपको यहाँ पे कैमरे ये देखने को मिल जाते हैं। वहीं बात करें आपको फ्रंट, तो फ्रंट की बात करें यहाँ पे आपको पूरी डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने सारे का लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ अमेजन या फ्लिपकार्ट जहाँ से भी आप खरीदना चाहो, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा और वहाँ पे जाके आप डिटेल्स जान सकते हो और इसे परचेस कर सकते हो। और अगर बात करें तो अभी ऑफर चला था, ऑफर के दौरान आपको हो सकता है इस प्राइस से भी कम प्राइस में आपको देखने को मिल जाए, तो ऑफर लिंक को जरूर चेक करो जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर पर मैंने रखा है यहाँ पे रियलमी की तरफ से XT को। तो इसकी अगर बात करें तो इसके कैमरे और इसकी लुक की, जो आपको स्क्रीन नज़र आ रहा है कुछ इस प्रकार इसका लुक आपको नज़र आने वाला है, जी हाँ आपको ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है, और पीछे की तरफ देखें तो कुछ इस प्रकार आपको लुक देखने को मिल जाएगा 4 कैमरे के साथ। और इसकी वेरिएंट तो आपको ये 2 वेरिएंट में मिल जाएगा, जैसे कि देख पाओ, एक वेरिएंट आपको 14,929 रुपये में और दूसरा 15,190 रुपये में, तो ये 2 वेरिएंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो हालांकि मैं जो वेरिएंट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जो 14,929 रुपये का है, इसमें आपको 4 GB रैम और 64 GB का स्टोरेज मिल जाएगा। और इसकी डिटेल्स कुछ इस प्रकार देख सकते हो, 64 MP आपको कैमरा मिल जाएगा, क्वाड कोर जो कैमरे है दोस्तों यहाँ पे क्वाड कैमरा आपको देखने को मिल जाता है। और वहीं बात करें यहाँ पे तो आपको डिस्प्ले और जो भी जानकारी आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया, वहाँ से जाके क्लिक करके देख सकते हो, हालांकि फ्लिपकार्ट अमेजन दोनों का आपको लिंक वहाँ देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे चौथे नंबर मैंने किसको रखा है। तो चौथे नंबर मैंने यहाँ पे रखा है सैमसंग की तरफ से M30S को, जिसमें आपको 4 GB रैम और 64 GB का स्टोरेज मिल जाता है। और इसकी प्राइस कुछ इस प्रकार है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, 14,160 रुपये। हालांकि बात करें फ्लिपकार्ट पे आपको ये प्राइस देखने को मिला है, अमेजन पे और भी सस्ता हो सकता है क्योंकि अभी ऑफर चल रहा है, और अमेजन की बात करें तो फ्लिपकार्ट दोनों पे यहाँ पे अभी ऑफर उदाहरण हो सकता है, इससे भी कम प्राइस में आपको मिल जाए। और इसकी वेरिएंट की बात करें, ये 2 वेरिएंट में अवेलेबल, जैसे देख सकते हो 6 GB और 4 GB रैम के साथ।
और 128 GB और 64 GB स्टोरेज के साथ। तो अपने हिसाब से आप देख सकते हो, जो भी वेरियंट आपके लिए अच्छा लगे आप यहाँ पे खरीद सकते हो। और डिटेल्स कुछ इस प्रकार है, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, 48 MP का आपको कैमरा मिल जाता है रियल कैमरा, और 64 MP का आपको फ्रंट कैमरा देखने मिल जाता है। वहीं अगर बात करें यहाँ पे प्रोसेसर, तो आपको पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। जी हाँ, मैंने लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ से चेक कर सकते हो पूरी डिटेल्स इसकी, और उसके बाद आप फोन को परचेस कर सकते हो। चलिए अब बढ़ते हैं आप पाँचवें नंबर पे। पाँचवें नंबर मैंने आपको रखा है, फिफ्थ नंबर पे आपको यहाँ पे रेडमी की तरफ से, जी हाँ, रेडमी नोट 8 प्रो। तो काफ़ी बेस्ट फोन है और हाल ही में ये लॉन्च हुआ है। तो इसकी बात करें, इसमें आपको प्रोसेसर और रैम की बात कर लेते हैं, तो आपको 6 GB रैम और 64 GB स्टोरेज के साथ आपको ये फ़ोन 13,999 में, जी हाँ, मिलने वाला है दोस्तों। और अगर बात करें आप यहाँ पे GB बढ़ाना चाहते हो रैम और स्टोरेज, तो इसके लिए आपको वेरियंट अवेलेबल है, 3 वेरियंट में आपको ये फ़ोन मिलता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अपने हिसाब से कौन वेरियंट आपके लिए सही होगा। ओके, वहीं बात करें यहाँ पे फीचर्स, तो फीचर्स आपको 64 MP का आपको रियल कैमरा देखने को मिल जाता है, जो आप यहाँ पे पूरी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि मैंने इसका लिंक दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ से आप फ्लिपकार्ट या अमेजन, जहाँ से भी आप खरीदना चाहते हो वहाँ से आप जाके इसे खरीद सकते हो। ओके, अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट फोन पे। तो नेक्स्ट में मैंने रखा है यहाँ पे, तो 6 नंबर मैंने यहाँ पे रखा है आपके लिए OPPO F11। तो ये भी काफ़ी बेस्ट फोन रहा है। हालांकि बात करें इसकी प्राइस, तो आपको यहाँ पे काफ़ी डिस्काउंट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, लगभग यहाँ पे 42% का डिस्काउंट देखने को मिला है, जहाँ पे आप देख पाओगे। और इसमें आपको 2 वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। तो इसकी जो प्राइस, जैसा कि मैंने आपको बताया, 23,999 इसकी जो प्राइस है MRP प्राइस, लेकिन आपको यहाँ पे 13,990 में ये फ़ोन मिल रहा है। हालांकि बात करें फ्लिपकार्ट पे, फ्लिपकार्ट भी और भी डिस्काउंट आपको मिल जाएंगे, जो मैंने ऑफर लिंक दिया वहाँ पे चेक करके आप चेक कर सकते हो। ओके, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑफर को चेक करो, अगर फ्लिपकार्ट से खरीदना चाहते हो, अमेजन से, तो आप जहाँ से भी खरीदना चाहते हो, दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। इसके फीचर्स की कुछ बात कर लो, तो फीचर्स क्या, यहाँ पे आपको 48 MP यहाँ पे डुअल कैमरा आपको देखने को मिल जाता है, और भी यहाँ फीचर्स आपको डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जो आप देख सकते हो यहाँ पे। जी, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक करो, जाकर वहाँ पे चेक कर लो। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे 7वें नंबर में मैंने यहाँ पे रखा है आप लोग के लिए Vivo Z1 Pro। तो ये भी काफ़ी अच्छा फ़ोन है, और इसकी भी काफ़ी डिस्काउंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको 17,990 का जो फ़ोन था, आपको यहाँ पे 13,990 में देखने को मिल जाएगा। हालांकि लुक की बात करो, लुक काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल जाता है फ्रंट से, और इसकी जो फीचर्स कुछ इस प्रकार है, जैसे कि देख पाओगे। ओके, वहीं अगर बात करें तो ये आपको 2 वेरियंट में अवेलेबल है, 4 GB और 6 GB, स्टोरेज भी आपको 2 वेरियंट में मिल जाते हैं, 64 GB और 128 GB की। तो यहाँ पे आपको ये मतलब डिटेल्स आपको यहाँ पे देख पा रहे हो, कुछ इस प्रकार यहाँ डिटेल्स, 6 GB रैम आपको, 64 GB स्टोरेज, तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रही होगी। हालांकि आप बारीकी से चेक करना चाहते हो, तो मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। फ्लिपकार्ट अमेजन दोनों पर ये अवेलेबल, दोनों में कहीं से भी आप इसे खरीद सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और 8वें नंबर में मैं बात करूँगा यहाँ पे, तो 8वें नंबर मैंने यहाँ पर रखा है Realme 5 Pro। तो ये भी काफ़ी अच्छा फ़ोन रहा है, और इसके भी काफ़ी अच्छे यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिले। और जैसा कि बात करें इसके यहाँ पे प्राइस, तो आपको ये 12,999 में देखने को मिल जाएगा, जिसकी हम प्राइस करें रियल, तो यहाँ 15,999 इसकी प्राइस थी। और जैसा कि बात करें इसकी आपकी वेरिएंट, तो 3 वेरिएंट में ये अवेलेबल है। और कैमरे की फीचर्स की बात करो, और यहाँ पे रैम की, तो कुछ इस प्रकार आपको नज़र आ जाएगा। आपको यहाँ पे 4 कैमरे पीछे की तरफ मिल जाते देखने के लिए। ओके, जो आपको 48 MP का यहाँ पे कैमरा मिल जाता है, और फ्रंट में आपको 16 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। और डिटेल्स की बात करो, तो यहाँ पे जो भी डिटेल्स आपको देखनी है, आप लिंक मैंने दे दिया है, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। फ्लिपकार्ट अमेजन दोनों पे ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से चेक करके आपके लिए कौन सा वेरिएंट सही है, आप इसे खरीद सकते हो। हालांकि मैं यहाँ बात कर रहा हूँ 4 GB वेरिएंट की, तो 4 GB का जो वेरियंट है, 64 GB के स्टोरेज के साथ आपको 12,999 में यहाँ मिलने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और 9वें नंबर में मैंने आपको रखा है आपके लिए काफ़ी अच्छा फोन है, काफ़ी ज़बरदस्त बात करते हो, आपको Xiaomi की तरफ से MI A3। तो ये भी काफ़ी ज़बरदस्त फोन है, और काफ़ी अच्छे इसके रिजल्ट रहे हैं। जैसा कि बात करें यहाँ पे 4 GB और 64 GB जो स्टोरेज के साथ आपको यहाँ पे मिल जाएगा मात्र 11,999 में। तो काफ़ी बेस्ट फोन आपके लिए रह सकता है 11,999 में, जिसका में आपको स्टोक एंड्रॉयड देखने को मिल जाता है। और Xiaomi की तरफ से काफ़ी बेस्ट ये भी फ़ोन रहा है हाल ही में, और आपको 2 वेरिएंट में देखने को मिल जाता है, एक 4 GB और दूसरा 64 GB स्टोरेज के साथ। और दूसरी बात करें यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे 6 GB रैम के साथ और यहाँ पे देखने को मिल जाता है। कलर भी आपको काफ़ी सारे यहाँ देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। और इसकी जो बात करें इसकी कैमरे, तो कैमरे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे कुछ इस प्रकार, जैसे कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, आपको 3 कैमरे पीछे की तरफ देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पे आपको 48, 8 और 2 MP का जो कैमरे है, इसकी कम्बिनेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। वहीं बात करें प्रोसेसर, तो प्रोसेसर आपको स्नैपड्रैगन का 665 आपको मिल जाता है यहाँ पे देखने के लिए। रैम आपको, जैसा मैंने आपको बता दिया, 6 GB और 4 GB दोनों में ये अवेलेबल है। स्टोरेज 64 GB आपको देखने को मिला है, और एंड्रॉयड 1
एंड्रॉइड 9 पाई पे ये फाइनली वर्क कर रहा है और इसका अपडेट भी सामने देखने को आ चुका है दोस्तों। तो ये भी फोन आपके लिए काफी बेस्ट रह सकता है, तो आप इसके लिए भी जा सकते हो। अगर आपने का जो बजट है 12,000 के लगभग है तो आपके 12,000 में काफी बेस्ट ही आपके लिए हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं लास्ट जो हमारे 10वें नंबर मैंने रखा है यहाँ पे वीवो की तरफ से U20। तो ये हाल ही में काफी पॉपुलर ये फोन रहा है और काफी इसकी सेल भी हुई है। जिसकी प्राइस की बात करूँ आपको, MRP प्राइस आपको 12,990 रुपये थी, लेकिन फाइनली अभी ये आपको 11,990 रुपये में, और अभी मैंने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया वहाँ पे अगर आप जाके परचेस करते हो तो हो सके आपको 10,000 के भी अंदर भी ये फोन देखने को मिल जाए, क्योंकि अभी ऑफर इस पे आने वाली है। और जैसा कि आप वीडियो लेट से देख रहे हो तो ये ऑफर आ गई होगी, आपको ये मात्र 10,000 के अंदर में भी ये फोन मिल सकता है। तो आप जाके देख डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो मैंने दिया वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। आपको फ्लिपकार्ट और अमेजन दोनों पे आइए, प्रोडक्ट अवेलेबल है, दोनों में कहीं से भी आप यहाँ पे खरीद सकते हो। और इसकी डिटेल्स की बात करो तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो, पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और फिलहाल मैं आप बात करूँ यहाँ पे डिटेल्स, तो आप यहाँ पे देख पाओ कुछ इस प्रकार आपको डिटेल्स यहाँ मिल जाएगी। 4GB 64GB जी हाँ रोम के साथ आपको मिल जाता है, और 16MP का आपको रियल कैमरा, कुछ इस प्रकार आपको 5000mAh की बैटरी, तो ये आपको देखने मिल जाए। और इसकी दो वेरियंट अवेलेबल है 4GB और 6GB के साथ, तो आप इसके लिए भी जा सकते हो। तो आई होप ये भी 10 फोन में से आपको कौन फोन पसंद आता है आप कमेंट्स करके हमें बताना जरूर। आप किस फोन के लिए जा रहे हो तो वो भी मुझे कमेंट्स करना, वीडियोस को पसंद आया वीडियोस को लाइक जरूर करना। और दोस्तों आप लोग फिर से मैं बोल दूं, मैंने जितने भी प्रोडक्ट यहाँ बताए उन सारे प्रोडक्ट का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक करो। आप अमेजन या फ्लिपकार्ट जहाँ से भी आप खरीदना चाहते हो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप चेक कर पाओगे और वहाँ से आसानी पूर्वक ऑफर का लाभ उठा के आप इस फोन को खरीद पाओगे। अगर आपका जो बजट है वो 15,000 के अंदर, मतलब 10 से 15,000 के अंदर में कोई अच्छा सा फोन लेना चाहते हो तो आपके लिए वीडियोस काफी अच्छी साबित हो ही होगी दोस्तों। और दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कि ऑफर की और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके रखना। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, फिर तक हैव नेक्स्ट, बाय बाय, टाटा।